आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रश्न पत्र लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते आए हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में प्रश्न पत्र लीक होने का ये 23वां मामला है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। प्रश्न पत्र लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते आए हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में प्रश्न पत्र लीक होने का ये 23वां मामला है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा पेपर आउट होने के चलते स्थगित कर दी गयी थी। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बाद भी प्रश्न पत्र लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जुलाई 2017 दरोगा भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 25 और 26 जुलाई 2017 को ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा CBT आयोजित की, लेकिन उससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। कारण था व्हाट्सएप पर पेपर का लीक होना। फरवरी 2018 UPPCL का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में PET परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में BEd प्रवेश परीक्षा पेपर लीक। 11 सितंबर 2021 को नीट परीक्षा का पेपर लीक। अगस्त 2018 को स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक हुआ था। 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। जुलाई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक होने का आरोप लगा। अक्टूबर 2021 को सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक हुआ। 30 मार्च 2022 को इंटरमीडिएट का पेपर लीक। इंटरमीडिएट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा स्थगित होने के बाद योगी सरकार निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार के शासनकाल में परीक्षाएं रद्द होने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।